एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है स्वाति खन्ना व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। तो मेरे नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कुछ मौसम ना बड़ा ना अच्छा वाला हो रहा है दिल्ली का ना इस टाइम, और वैसे भी विंटर्स आने वाले हैं तो मौसम बहुत ही बढ़िया रहता है इवनिंग का। तो मैंने सोचा आज मुझे आना चाहिए टेस्ट करने के लिए मोमोज, वो भी फेमस जगह पे। तो मैं आज भी विकासपुरी की मार्केट में ये मोमोज एडिक्टिव के आउटलेट पे, जो कि मोमोज के लिए बहुत ही फेमस है अपने, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोमोज हैं। तो आइए चलते हैं कि देखते हैं, ऑनर से बात करते हैं, प्रॉपर लोकेशन जानते हैं, टाइमिंग जानते हैं, और कितने टाइप्स के यहाँ पे मोमोज मिलते हैं वो भी देखते हैं और टेस्ट भी करते हैं साथ में, और थोड़ी सी मैगी ले लेंगे। ठीक है, तो आइए ऑनर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं यहाँ पे कितने टाइप्स के मोमोज हमें खाने के लिए मिलने वाले हैं और सबसे मोस्ट सेलिंग मोमोज कौन सा है। हेलो सर। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने देखा बड़ी लाइटिंग हो रही है और मोमो एडिक्टिव लिखा है, तो इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ। मतलब यहाँ पे मोमोज ही मोमोज मिलते हैं। मैम एक्चुअली मेरी ये आउटलेट का ओपन हुए जो है 1.5 ईयर हो गया, और 1.5 ईयर में जो है अभी तक जो है जो मेरे आउटलेट पे जो मोमोस जो मिलते हैं जी, वो 93 तरह के मोमोस हैं। अच्छा, 93 टाइप्स के मोमोस हैं। और आई होप कि जो है वेस्ट दिल्ली के अंदर जो है जो 5-6 जो मोमोस हैं हमारा, वो काफ़ी फेमस हैं जी। और हर आउटलेट पे हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड भी हैं और ऊपर भी हैं, बट उनके पास भी अभी जो रेसिपी मेरे पास है वो रेसिपी उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे मोस्ट सेलिंग जो मोमोज है वो कौन सा है, जो मतलब आउटलेट पे लोग आते हैं और सबसे डिमांडेड है कि हमें तो ये दे दीजिए? मैम सबसे मेन जो मेरे जो मोमोस है तंदूरी मोमोस है, वो वेज हो या नॉन वेज हो वो सबसे मेन है। और उससे भी जो ये स्टीम में सबसे फेमस जो मेरे मोमोस है वो सोया स्टीम मोमोस है, इसलिए कि सोया स्टीम हर आउटलेट मोमोस के शॉपकीपर नहीं रखते, बट हमारे पास मेरी अच्छी उसकी रिस्पांस है, और इन फ्यूचर और भी उसके अच्छे रिस्पांस आएंगे। ओके, सो जो यहाँ पर जो मोमोज हैं कुछ नाम बता दीजिए, जो वैसे तो 93 टाइप्स के मोमोज हैं तो सबके नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, पर कुछ जो फेमस मोमोज हैं जो आपके अलग हैं जो दूसरे आउटलेट से। मैम एक जो इंडियन ग्रेवी में हमारे जो मोमोस हैं, चिकन कढ़ाई मोमोस हैं, पनीर कढ़ाई मोमोस हैं, पनीर रोगन जोश मोमोस हैं, आपका पनीर चंगेजी मोमोस हैं, ये सब जो है हमारे सबसे मतलब अलग हैं और इसके अच्छे रिस्पांस हैं, और भगवान ने चाहा तो और इसके अच्छे रिस्पांस आएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पे प्लेटर भी है? हाँ, चाइनीज प्लेटर भी है हमारे पास। अच्छा। और मोमोस प्लेटर भी है हमारे पास। तो कितने मोमोस टेस्ट करने के लिए मिलेंगे उस प्लेटर में? उस प्लेटर में जो है मैम 4 कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कस्टमर, उसमें हमने जो एक ऑप्शन दे रखा है कि 4 मतलब 4 एनी, यानी कि 4 जो है आपको कस्टमर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कस्टमर को कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है। बेसिकली प्लेटर में आपको 4 टाइप्स ऑफ मोमोज मिलने वाले हैं, जिसमें कि 8 टोटल होगा उसका और 2-2 टाइप्स के हर मोमोज होंगे। ओके, और उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है प्लेटर की? मैम प्लेटर की उसकी कॉस्ट जो है 200 है। 200 कॉस्ट है उसकी। तो सर ये लोकेशन बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि लोग मतलब लोकेट कैसे करें, अगर आए आपके पास मोमोज खाने के लिए तो कैसे लोकेट? मैम ये जो आउटलेट है ये सी ब्लॉक विकासपुरी में ये आउटलेट है जी। और बिहाइंड ऑफ भूडेला पार्क साइड 4 में है। आप यदि विकासपुरी मोर की तरफ से यदि आप आएंगे तो रिलायंस मॉल से जैसे ही हम PVR की तरफ चलते हैं तो ये लेफ्ट हैंड पे पड़ता है, और मेरे शॉप के अपोजिट में जो है न्यू शॉप अभी ओपन हुआ है बीकानेर स्वीट, ये है यहाँ का लोकेशन। सो टाइमिंग क्या है ओपन होने का आउटलेट का? मैम मेरे आउटलेट जो है सुबह मॉर्निंग में 11 बजे खुल जाता है, और उस टाइम से जो है हमारे जितने स्टाफ हैं वो सारे प्रिपरेशन करते हैं, और रात को 11:30 तक मेरे आउटलेट ओपन रहता है। ओके, मतलब 11 to 11:30 आप सर्व करते हैं? जी। ओके, थैंक। 7 डेज ओपन है? 7 डेज ओपन है, कोई छुट्टी नहीं है? नहीं, कभी भी आज खाने के लिए? एग्जैक्टली, कभी भी। थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने सुना यहाँ पे प्लेटर भी है, और ये मोमोज का हब है एक तरीके से, क्योंकि 93 टाइप्स के मोमोज हैं यहाँ पर, एडिक्टिव है, तो देखते हैं हमें एडिक्शन इसका होता है या नहीं होता, टेस्ट करते हैं हमारा प्लेटर। हमारा मोमोज वाला प्लेटर रेडी हो चुका है, मेकिंग आप लोग देख चुके हैं, तो ये टाइम है अब इसको टेस्ट करने का। बाकी आप देख ही रहे हैं प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है और कितने अच्छे लग रहे हैं ये मोमोज, और कहते हैं जब खाना देखने में अच्छा लगे ना तो उसे खाने का मज़ा ना डबल हो जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ इस प्लेटर में कौन कौन से मोमोज हैं। फर्स्टली ये जो है मोमो, ये है स्टीम्ड मोमोज, एंड दिस वन इज़ KFC मोमोज जिसे हम कुरकुरे मोमोज कहते हैं।
ये है तंदूरी मोमोज एंड दिस वन यहाँ का स्पेशल जो मैंने कहीं नहीं खाया कढ़ाई मोमोज एंड दिस इज़ अफ़गानी मोमोज। तो सबसे पहले और हाँ मैं साथ में बता देती हूँ इसमें चटनी तीन तरीके की मिली है, ये है म्योनी, ये है मिंट वाली चटनी और ये है सेजवान जो कि मिलकर तीन टाइप की आपको चटनी मिलने वाली है। बाकी करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें मैं ना मतलब प्रेजेंटेशन देखना कितनी अच्छी है। सो फर्स्ट हम लोग टेस्ट करने वाले हैं अपने स्टीम मोमोज। तो स्टीम मोमोज मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि ये फिलिंग किस चीज़ की कर रखी है। ये देख रहे हैं वेजीज वाले हैं ये, तो देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है, बाकी टेस्ट देखते हैं कैसा है। मैं इसको ग्रीन वाली चटनी के साथ टेस्ट करती हूँ। तो ये एक बनी बाइट। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है सीरियसली, जैसे कि होना चाहिए। तो टेस्ट बहुत ही यम्मी है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो रहा है ये। बाकी मैं स्पाइसी वाली के साथ भी टेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसी खाना पसंद है। बहुत ही यम्मी है सीरियसली, स्टीम मोमोज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्ट है। बाकी जो नेक्स्ट वन है वो है KFC मोमोज, मतलब जिसे हम कहते हैं कुरकुरे मोमोज। सो मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी। फुल्ली फिल्ड विद वेजीज। इसको मैं म्योनी के साथ टेस्ट करती हूँ। आपका जैसे मन करे आप वैसे खा लीजिए, तीन चटनी है कोई से भी आप टेस्ट कर लीजिए। क्रंचीनेस बहुत बढ़िया है। बहुत बड़ा टेस्ट है, क्रंच क्रंच जो हो रहा है ना बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में। और कुरकुरे मोमोज की सबसे अच्छी बात ये होती है इसमें जो क्रंचीनेस होती है ना वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से फ्राइड होना चाहिए, अच्छे से जो भी मतलब करते हैं ये लोग। और बाकी विदाउट चटनी खा सकते हैं, विद चटनी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो ना वैसे खा सकते हैं। तो मोमोज मुझे बहुत अच्छे लगे। सो नेक्स्ट वन इज़ तंदूरी मोमोज, जैसे आप देख ही रहे हैं देखने में तो बहुत ही यम्मी है। बाकी ये साइज़ भी है, देखो कितना बढ़िया साइज़ है। और अब मैं इसे करूँगी ओपन। ये हो गया, ये पनीर से फिलिंग है इसकी, पूरे अच्छे तरीके से फिल कर रखा है। बाकी बनाते हैं इसकी भी एक बाइट और ऊपर रखते हैं इसके साथ जो अनियन मिला है। और ये अच्छे से देखो ना बड़ी अच्छी सी बाइट बन रही है। तो ये यम्मी सी बाइट टेस्ट करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, मैं पानी आ गया देखते हैं आपको, क्योंकि ये है ही चीज़ ऐसी ना। और मोमोज लवर तो सीरियसली कह रही हूँ विकासपुरी आए ना तो ज़रूर यहाँ पे खा कर जाएँ। और आउटलेट बहुत ही सुंदर बना हुआ है, लाइटिंग से भरा हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है बिकॉज़ इसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बना हुआ है बिल्कुल बाहर, बंद में नहीं है, नेचुरल हवा है। आगे विंटर्स आ रहे हैं तो और मज़ा आने वाला है इसे खाने में, वो भी गर्म गर्म। तो दिस वन इज़ ऑल्सो टू मच टेस्टी। बाकी ये जो इनकी स्पेशल बना है मैं एंड में टेस्ट करूँगी। अब आ जाते हैं हम अफगानी मोमोज पे। ये देखिए क्रीम से फिल्ड है बिल्कुल। और ये मैं दोबारा से इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये भी मैंने पनीर वाले लिए हैं, आई हाय अच्छा लग रहा है देखने में। तो जल्दी से आ जाओ विकासपुरी मोमो एडिक्टिव के यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, जो अपने सिर्फ और सिर्फ मोमोज के लिए फेमस है। 93 टाइप्स के मोमोज हैं, आराम से आओ अपने लव वंस के साथ मस्ती करते हुए आओ, यहाँ पे बैठ के मोमोज टेस्ट करो। बाकी करते हैं टेस्ट अफगानी। टू क्रीमी, मुँह में जाते ही मेल्ट हो गए। साथ में ये अनियन है जो भी इसका सैलड मिलता है। उंगलियाँ चाटते रह जाओगे, बहुत बढ़िया टेस्ट है। सारे मोमोज मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन अब मैं खाने जा रही हूँ यहाँ का स्पेशल वन मोमोज जो कि मैंने कहीं नहीं सुना और ना ही खाया है। बिकॉज इसमें स्पेशलिटी ये है कि इंडियन मोमोज कह सकते हैं आप इसे, इंडियन ग्रेवी है इसके अंदर। ये जो ग्रेवी है कढ़ाई मोमोज हैं ये, यहाँ है तो ज़रूरी वाला टेस्ट करना बिकॉज ये बिल्कुल डिफरेंट है। जिसकी ये प्याज और टमाटो से जो बनता है ना ग्रेवी बनती है, जो
ये वही है जो हम अपने इंडियन किचन में बनाते हैं। बाकी मैं अपने हाथों से उठाती हूँ पीसेस का। ओहो बहुत गर्म है, सो गरम गरम इसका देख रहे हैं साइज़। साइज़ बहुत वर्थ है। बाकी जो प्लेटर है वे है 200 रुपीज़ का। ये देखो ओहो हो पनीर की फिलिंग और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। मुझे नहीं लगता है कि इसके साथ किसी चटनी को लगाने की ज़रूरत है। इसके साथ जो और वेजिटेबल्स हैं जैसे अनियन उसका ही बनाते हैं, बाकी करने से भी टेस्ट। फर्स्ट टाइम एवर कढ़ाई नूडल्स। बहुत ही यम्मी है, आउटस्टैंडिंग टेस्ट है इसका। मैंने ऐसे मोमोज नहीं खाया, सीरियसली नहीं खाया, ये बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे लगता कहीं दिल्ली में ऐसा मोमो खाने के लिए मिलने वाला है। कढ़ाई मोमो, कढ़ाई पनीर तो सुना है पर कढ़ाई मोमो नहीं सुना है। सीरियसली कह रही हूँ, इसकी फीलिंग बहुत बढ़िया है। बाकी जो जो ग्रेवी बनाई है इन्होंने बहुत ही यमी है, सीरियसली कह रही हूँ। जल्दी से आ जाओ मोमोज टेस्ट करने, मोमोज लवर जल्दी आ जाओ जिनको ये आउटलेट नहीं पता है। वेस्ट दिल्ली में विकासपुरी मोमो एडिक्टिव के यहाँ पे अपने मोमोज का प्लेटर टेस्ट करने के लिए। और ये वाला जो मोमो है ना, कढ़ाई मोमो, जरूर टेस्ट करना। मैं आपको सीरियसली रिकमेंड करने वाली हूँ कि प्लीज़ इसको टेस्ट करके जाना। बाकी आई होप आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा और मोमोज लवर्स को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के मोमोज हमें टेस्ट करने के लिए मिल रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ बैठ के खाने में। तो जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। तो यहीं करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करके जाना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दो, क्योंकि ऐसे ही टेस्टी टेस्टी फूड्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं ये भी जानकारी पूरी मिलने वाली है आपको, और उसका प्राइस क्या होने वाला है सब कुछ उसमें पता लगने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्वाति खन्ना ब्लॉग विदाउट एनी स्पेस। बाय।